ओके जी, आगे एक्सप्लेन नेक्स्ट आप इज, करेंगे, जी रिपीटिंग करती हूँ. मैम इट टेस्टेड वे टू स्वीट एंड वॉज नॉट एपिटाइजिंग एट ऑल. यानी इसका जो टेस्ट था वे टू स्वीट, क्या मतलब है इसका? लाइक इट वाज नॉट शुगरी लाइक सिरपी, इस तरह से है, वे टू स्वीट, टेस्टी ना होना, कि वो मजे का नहीं था, कि नो नो, इट लाइक टेस्टेड वे टू स्वीट. वे टू, हम टू जब यूज ओके करते हैं, ये नोट कर ले सुबह, पॉइंट, हम उस चीज के साथ टू यूज करते हैं जो जरूरत से ज्यादा ही. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इट्स टू हॉट, तो इसका मतलब है ये चीज इट्स जरूरत से ज्यादा गर्म है, जितना इसको गर्म होना टू चाहिए उससे कहीं ज्यादा है. इसका इट्स टू कोल्ड, कोल्ड, यानी सर्दी हद से ज्यादा है, जितनी आपको रिक्वायर्ड थी उससे भी ज्यादा है. इसी तरह इट्स टू स्वीट, यानी जितना मीठा सही था उससे कहीं ज्यादा था उससे वो. ज्यादा सो जी हाँ, एक्सट्रीमली स्वीट, समथिंग बहुत ही ज्यादा, यस, राइट, एंड वाज नॉट शुगरी, एपेटाइजिंग एट ऑल. एपेटाइजिंग का एपिटाइजिंग, क्या मतलब? एपिटाइजिंग लाइक टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग हो जाता है, तो बहुत किसी चीज का डिलीशियस, इस तरह से मैम, लाइक टेस्टी, वाज नॉट एपिटाइजिंग, जिसका दिल करे आप खाओ, इस तरह से हो सकता है टेम्पटिंग. देख के जो है ना, यानी जैसे कहते हैं मुंह में पानी आना, तो उसके लिए हम कहेंगे एपेटाइजिंग, एपिटाइजिंग, हैविंग सो मच अट्रैक्शन. लेकिन दैट केक वाज नॉट एपेटाइजिंग एट ऑल, माउथ राइट जी. आगे चले, रीडिंग वाटरिंग, करें आगे. यस, दिस आई वॉज काइंड ऑफ रिग्रेटफुल, इस तरह से मैं, मुझे पछतावा था इस बात का, चूजिंग टू परचेज द केक इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्रेजेंट फॉर माई सिस्टर, और मैंने केक का इंतखाब किया अपनी बहन को तोहफा देने के लिए, इंस्टेड ऑफ कोई और दूसरी चीज मैं चूज करता, मैंने केक का इंतखाब किया. एक्चुअली एज आई हैड टू स्प्लैश आउट ऑन द केक, What is the स्प्लैश meaning आउट of करने, regretful? किसी करने के बाद, काम के करने के बाद, एक आपको बहुत पछतावा हो कि मैंने ये काम क्यों कर दिया है, लाइक इस तरह की फीलिंग आना, Yes, रिग्रेट फील regret करना, का synonym होगा repent, ठीक है, रिपेंट, guilt, ओके, having a guilt, guilty feel करना, गिल्ट, और रिपेंटेंस यानी गिल्टी, पछतावा होना, सैड फीलिंग्स होना किसी काम का. और इसके साथ एक और ओके, ये देखिए फ्रेज, आई वाज काइंड ऑफ, ये अक्सर नेटिव्स यूज काइंड, करते हैं. इसका मतलब होता है थोड़ा सा, किसी कदर. आई वाज काइंड ऑफ दैट, आई वाज काइंड ऑफ सैड, आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी, आई वाज काइंड ऑफ रिग्रेटफुल, यानी मैं थोड़ा सा, मुझे पछतावा था, यानी मुझे जरा पछतावा पछतावा होने था, लगा कि मैंने क्यों ये खरीदा. जी आगे चले, आई ओके, हैड टू आई हैड टू स्प्लैश आउट, स्प्लैश आउट ऑन द केक एंड रिसीव्ड ऑलमोस्ट नथिंग बैक, यानी कि उसका, इनका मतलब है कि उसने केक पर अपना लगाए भी, लाइक इस तरह से कि कुछ उसने, लाइक पैसा, स्प्लैश स्प्लैश आउट था, आउट मीन्स पैसा बहा देना, यानी बहुत ज्यादा मनी जो है स्पेंड हाँ, करना. स्पेंड कर देना, लाइक पर पैसा भी बहुत लगाया था, बट उसके नतीजे में कुछ हासिल नहीं हुआ था. आई टेंडेड टू बी मोर केयरफुल टू मेक रियली सेंसिबल बाइंग डिसीजन फ्रॉम दैट ऑन, तो इसके बाद मुझे टेंडेड टू मीन के मैंने इस तरह सोचना, इस तरह से अटेंड किया, लाइक ये करना, गो टूवर्ड्स एनीथिंग लाइक दिस, टेंडिंग टू बी मोर केयरफुल टू मेक रियली सेंसिबल बाइंग डिसीजन फ्रॉम दैट ऑन, कि मुझे एक बहुत ही सोच समझ कर इस पर फैसला करना चाहिए था, अगर मैंने कोई चीज खरीदनी थी तो. टेंडेड टू, राइट, यस, यू आर राइट. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले. नहीं, राइट, लास्ट वर्ड था टेंड टू. इसका मतलब होता है यानी ख्याल करना, रुझान करना. मेरा माइंड ये बन गया, यानी मुझे फिर ख्याल आया कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है, किसी तरफ तो.